नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में मैं हूं सुमित। और मार्केट्स में आज अंतरराष्ट्रीय बाजारों के संकेतों के तर्ज पे कमजोरी की साथ शुरुआत हुई और अभी भी कमजोरी बरकरार है। मार्केट्स के अंदर बिकवाली का दौर जो है वो देखने को मिला। हालांकि लोअर लेवल से स्लाइट अपटिक्स जरूर मार्केट्स में आते हुए दिखाई पड़े हैं, लेकिन उन अपटिक्स के बावजूद भी निफ्टी अभी भी पौने 2% की बिकवाली के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 300 अंक नीचे मार्केट्स में देखने को मिल रही बिकवाली। 16,383 का स्तर निफ्टी में फिलहाल बना हुआ है। लोअर लेवल से कुछ मूव है। थोड़ी देर पहले निफ्टी 16,400 के ऊपर ही पहुंचा था, 16,420 के आसपास तक गया था, यानी कि 100 अंकों के आसपास की रिकवरी आई थी। लेकिन अभी भी मार्केट्स में हर तेजी में बिकवाली ही देखने को मिल रही है। सो फार 2% नीचे मिड कैप इंडेक्स है, 2.5% नीचे मिड कैप इंडेक्स है, करीब करीब 2% नीचे स्मॉल कैप इंडेक्स कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी बैंक भी 2% नीचे अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और मार्केट में जो प्रेशर है वो अक्रॉस द बोर्ड आज के सत्र में देखने को मिल रहा है, खासतौर से अंतरराष्ट्रीय बाजारों के संकेत जिसकी तर्ज पर इंडियन मार्केट्स में बिकवाली रही है। बैंक सबसे ज्यादा प्रेशर में, मेटल में जोरदार बिकवाली, इनफैक्ट सारे इंडिसेस जो हैं वो लाल निशान में ही डीपली आज कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो एक तेज प्रेशर इंडेक्स के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सबसे ज्यादा बिकवाली इंफोसिस, HDFC बैंक, रिलायंस और HDFC लिमिटेड में। ITC आज हालांकि रेजिलिएट कर रहा है मार्केट की इस फॉल में, और साथ साथ ब्रिटानिया भी मोरलेस फ्लैट फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर कामकाज करता हुआ दिख रहा है। प्रशांत जी हमारे साथ मौजूद भी हैं कैटलिस्ट वेल्थ के बातचीत करने के लिए। प्रशांत जी से हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर, उनकी राय रणनीति समझेंगे और उनकी इंडिविजुअल कॉल्स पे भी हम बातचीत करेंगे। प्रशांत जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले अगर ऑप्शंस के आंकड़े देखें तो मार्केट्स के अंदर सिचुएशन ये दिखा रही है कि 16,000 के जो जोन है, 16,200 जो कि एक मजबूत मार्केट बेस मान रहा था उसको आज भी रिस्पेक्ट दिया है, वहीं से ही थोड़ा बहुत पुल बैक है। ऊपर के लेवल पे हर लेवल पे 16,400, 500, 600 सब में कॉल राइटिंग है। नीचे एक मजबूत बेस 16,200 एटलीस्ट नियर टर्म में तो दिखाई पड़ रहा है। आप कैसे देख रहे हैं मार्केट्स को निफ्टी के केस में, और निफ्टी बैंक भी क्रूशियल जोन्स के आसपास ही है, एक स्लाइट पुल बैक मान सकते हैं क्या, क्योंकि फ्राइडे का दिन है, शायद शॉर्ट्स कैरी फॉरवर्ड नाउ। सुमित जी गुड आफ्टरनून, सभी दर्शकों को नमस्कार। एक अहम बात हाईलाइट करना चाहूंगा इस जगह पे। जब भी पिछले 2-3 बार हमने डिस्कस किया तब मैंने एक ही बात कही है कि ये मार्केट शॉर्ट ऑन रैली मार्केट है, और इसमें आप लॉन्ग्स जब तक हम 17,700 के ऊपर क्लोज ना हो मत रखिए। अगर आप इंट्राडे फ्यूचर्स लॉन्ग भी कर रहे हो तो 100 पॉइंट से ज्यादा स्टॉप लॉस मत रखिए, ओवरनाइट कैरी मत कीजिए। जब मैं ये कह रहा था तो काफी लोगों को ये लग रहा था कि हम न्यू हाई की तरफ जा रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, बट अभी शायद प्राइस ने सभी जवाब दे दिए और हम बहुत निचले स्तरों तक आ चुके हैं। अभी हमें क्या करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, 16,200 से लेके 16,000 का लेवल बहुत अहम है। क्या हमें यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसकी एक वजह है कि हम एक बहुत अहम टाइम साइकिल की तरफ जा रहे हैं जो कि 9 मई को आता है, और 9 मई को जैसे कि सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि जो रशिया का एक बहुत अहम डिसीजन वॉर पे होगा और एक हिस्टोरिकल अहमियत है, तो उस दिन के लिए थोड़ा वेट करेंगे। अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो निफ्टी के लिए फ्यूचर्स में सबसे अहम लेवल है 16,300 से लेके 16,200। जब तक ये इंटैक्ट है मुझे लग रहा है कि फर्दर पेन थोड़ा रुक जाएगा, बट क्या होगा अगर ओवरनाइट कोई बैड न्यूज आए तो सीधा मंडे को हम ओपन ही उसके नीचे हो जाएंगे। इसी वजह से मेरी ये सलाह होगी इंडेक्स स्पेसिफिक ट्रेड्स थोड़े अवॉइड करने चाहिए। स्टॉक्स में अभी भी कई आपको लॉन्ग शॉर्ट अपॉर्चुनिटी दिख जाए, हमेशा एक चीज का ध्यान रखिए, रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में हो तो ही ट्रेड कीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि रोज आपके पास पोजीशन होनी ही चाहिए, जब मार्केट सही हो तब आप बहुत आराम से ट्रेड कर सकते हो। इंडेक्स स्पेसिफिक मेरी राय होगी टू स्टे अवे, टू बी कॉशियस फ्रॉम निफ्टी। जब तक 16,200 इंटैक्ट है नीचे का पेन कम होगा, उसके निचले स्तरों पे स्ट्रेट हम 15,800 तक नोज डाइव कर सकते हैं। अच्छा प्रशांत जी, एक अलग सवाल है आज आपसे कि वर्स्ट केस सिनेरियो में बहुत सारी बुरी खबरों को भी अगर हम डिस्काउंट करना शुरू कर दें यहां से, तो अब यहां से वर्स्ट के सिनेरियो में आप इंडेक्स को कहां जाता देख रहे हैं? आप कोई भी नंबर बोल सकते हैं, 11,000 बोल दें कोई हैरत नहीं होगी मुझे, लेकिन फिर भी वर्स्ट के सिनेरियो में आपके हिसाब से इंडेक्स पे हम कहां नजर रखें? सुमित जी बात हम हमेशा की तरह लॉजिकली करेंगे, जैसे आप सवाल पूछते हैं उसी तरह से मैं जवाब दूंगा। और बिल्कुल मुझे ये क्लियरली दिख रहा है कि कोई भी रैंडम नंबर के अलावा मैं एक लॉजिक आपको बताऊंगा, आप एक नजर इंडिया विक्स पे बनाए रखिए। इंडिया विक्स इस फॉल में भी करीबन 21.5 के आसपास है, जो कि दिखा रहा है कि अभी भी कोई बड़ा डर का माहौल नहीं है। अगर हम 26-27 क्रॉस करते और इस लेवल पे होते तो मैं आपको बेझिझक कह देता कि हम 15,200 तक तो जा ही सकते हैं फिलहाल। इसीलिए मेरी ये राय होगी अगर यहां से इंडिया वीक्स नेक्स्ट वीक में रिवर्स हो और हम फिर से 18-18.5 की रेंज में आए तो फिर मुझे लग रहा है पुल बैक आ सकता है। तो इसीलिए फिलहाल मेरी राय यही होगी कि 16,200 पे ध्यान रखिए,
अगर वो क्रैक हो जाए तो शायद हम 15,800-15,600 ये मेरे हिसाब से एक बॉटम लेवल होना चाहिए। इसके नीचे मुझे फिलहाल बेस्ड ऑन इंडिया वीक दिखाई नहीं दे रहा है। अगर 26-27 के ऊपर जाए तो नजरिया बदल लेंगे। 26-27 के ऊपर जाए तो नजरिया बदलेंगे। फिलहाल 16,200 पहला लेवल है, इसको आप ध्यान रखेंगे और ये क्रूशियल लेवल भी एक्चुअल में। उसके टूटने के बाद 15,800 की पॉसिबिलिटी खुल सकती है, लेकिन बहुत सारे सिनेरियोज बदल रहे हैं तो भी आप नजर आ सकते हैं और ऑलरेडी हम बहुत बिकवाली हाल फिलहाल में देख भी चुके हैं। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज मार्केट में हमेशा बनी रहती हैं, तेजी की तरफ भी मंदी की तरफ भी। जैसे के तौर पर आज ITC है, आज हरे निशान में कामकाज भी कर रहा है। प्रशांत जी, इंडिविजुअल कॉल्स, कहां तेजी कहां मंदी? जी सुमित जी, मिक्स एंड मैच होगा और फर्स्ट स्टॉक आपने बिल्कुल वही कहा है जो मेरे रडार में होगा फ्रॉम अ सेफर पर्सपेक्टिव। इसकी वजह है कि काफी लोगों को सिर्फ बाइंग पसंद है, तो अगर आपको मनी कहीं पार्क करना है तो आईटी की वजह, किसी और सेक्टर की वजह आप ITC में पार्क कर दो। फिलहाल ये 265 चल रहा है, आप इसमें निवेश कर लो, बट एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करो 255 का, और मुझे लग रहा है कि ये करीबन आपको 275-280 तक के लेवल्स कंजर्वेटिवली दिखा सकता है, जो कि इस मार्केट में मुझे लग रहा है कि एक बहुत सेफर ऑप्शन होगा इन्वेस्ट करने के लिए। सेकेंड स्टॉक जो मुझे लग रहा है कि एक बहुत अहम सपोर्ट लेवल पे आया है और बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड है, नॉर्मली मैं ये टर्म यूज नहीं करता हूँ, बट फिर भी अगर हम कंजर्वेटिव टेक्निकल एनालिसिस से बात करें तो बहुत ओवरसोल्ड जोन में जो जा चुका है वो टाइटन है, और इसमें मुझे एक रैली आती हुई दिख रही है जो कि न्यू शॉर्टिंग के लिए रैली होगी। इसको हम रिस्क रिवॉर्ड से बाय करेंगे, इसको हम बाय करेंगे विद द स्टॉप लॉस ऑफ 2185, और यहां से मुझे लग रहा है कि ये 200 दिनों के एवरेज तक जा सकता है, यानी 2280 तक के टारगेट हम रख सकते हैं, तो करीबन 15 से 20 पॉइंट के रिस्क पे हमें 70-80 पॉइंट का रिवॉर्ड है। तो टाइटन मेरी बाइंग लिस्ट में होगा ITC के साथ और विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 2185। नेक्स्ट स्टॉक जो मैं शॉर्ट करना चाहूंगा वो होगा एक्सिस बैंक, करीबन ये अभी 675-70 रेंज में चल रहा है, मैं इसको 665 के नीचे शॉर्ट करना चाहूंगा और सिर्फ 8 पॉइंट की रिस्क रखूंगा, यानी 673 मेरा स्टॉप लॉस होगा और मैं टारगेट इसमें देख रहा हूँ 645 से लेके 640, तो थोड़ा वेट एंड वॉच करके 665 अगर ब्रेक हो जाए एक्सिस बैंक में हम शॉर्ट कर सकते हैं, तो 8 पॉइंट स्टॉप लॉस और टारगेट हमारा होगा 645 से लेके 640। तो ये तीन मेरे आप पिक्स रहेंगे, दो लॉन्ग और एक शॉर्ट। तो टाइटन आप लॉन्ग साइड पे देखेंगे, ITC आप लॉन्ग साइड पे देखेंगे, लेकिन एक्सिस बैंक को आप शॉर्ट साइड पर देख सकते हैं। वैसे भी 4% नीचे कामकाज कर रहा है। टाइटन में आप 2280 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करेंगे, 2185 का स्टॉप लॉस। ITC आज फेवरेट भी है सबका, यहां पर भी 270-275 के आसपास के टारगेट्स रहेंगे, आप खरीदारी करेंगे, 255 का स्टॉप लॉस रखेंगे, और एक्सिस बैंक में आप 645 के टारगेट्स के लिए बिकवाली करके चल सकते हैं।